नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोवी टॉक आयुर्वेदा में। आज आपको ऐसी खास टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर को, आपकी जो पाचन क्रिया है और उसमें जो डायबिटीज़ यदि आपकी हो जाती है तो उनसे जुड़ी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, उन सभी समस्याओं को निजात पाने के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं के बारे में आज दोस्तों बताया जाएगा। तो खाली पेट यदि आप गुनगुने पानी को पीते हैं तो उनके फायदे ही कुछ अलग होते हैं, लेकिन हम आपको गुनगुने पानी में एक ऐसा खास मसाला डालकर पीने की सलाह देते हैं जो आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा और आपकी जो कई प्रकार की समस्याएं हैं उनको भी दूर करेगा। हमारे शरीर को सही पोषण देने के लिए जितना सही डाइट होना ज़रूरी है उतना ही पाचन क्रिया का ठीक से काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ठीक से पचा नहीं पा रहा है कई किसी खाने को या फिर किसी फूड्स को तो आप कितना भी पोषक तत्वों से भरपूर खाना खा लें वह सब व्यर्थ ही चला जाता है, और जब तक कि उसमें जो रस होता है वो आपके शरीर में लगेगा नहीं तब तक आपका शरीर और ब्रेन बूस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको डाइट किस प्रकार से लेनी है तो जो कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाए जिससे कि उसका जो रस है आपके शरीर में लगे। तो पाचन ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं आपको, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से खराब पाचन को जल्दी से ठीक किया जा सकता है, वो सिर्फ होता है कि आयुर्वेदिक में ही होता है। और दोस्तों अंग्रेजी दवा में तो ये होता है कि उनको तुरंत खाने से तो कुछ देर के लिए आराम मिलती है लेकिन बाद में वो नुकसानदायक रहती हैं, लेकिन हम आपको एक यूनिक तरीका बताने वाले हैं तो जो आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ग्राइंडर मशीन में बराबर मात्रा में एक एक चम्मच जीरा, धनिया व सौंफ ले लें और आधा चम्मच मेथी डालकर इसे पीस लें। अब स्वाद के अनुसार आप इसमें थोड़ा काला नमक भी लगा सकते हैं या डाल सकते हैं। अब आपका मसाला तैयार हो जाता है और इसे अभी आप एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रखें और उसको रोज़ाना यूज करें। मौसमी जो बीमारियाँ होती हैं उनमें ये जो है तो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, इसलिए आप ग्राइंड करने से पहले इन्हें 2 से 3 घंटे तेज धूप में रख दें ताकि उसमें जो कई प्रकार के कीटाणु होते हैं वो सूख जाएं, उसी में ख़त्म हो जाएं, और उसमें जो डाइट है वो आपके खाली पेट में सेवन करने से काफ़ी तरह से बेहतरीन फायदेमंद देता है। जिसका आप यदि सुबह इस्तेमाल करते हैं उठते ही गुनगुने पानी में एक चम्मच ये मसाला डालकर पीने से काफ़ी फायदे होते हैं, तो उनके फ़ायदे में बता देते हैं। पाचन आपका बेहतर रहता है और दोस्तों रोज़ाना खाली पेट गुनगुने पानी में यह मसाला डालकर पीने से पेट संबंधी बीमारियाँ, गैस बनना, कब्ज, सीने में जलन ऐसी जो है तो पेट दर्द जैसी समस्याएं काफ़ी जो है तो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। डायबिटीज़ आपका कंट्रोल रहता है। मेथी और धनिया और जैसी चीज़ें जो है तो ब्लड शुगर को कम करने और पावरफुल एजेंट माना जाता है क्योंकि इनको, तो साथ ही जीरा सौंफ भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। और मोटापा को कम करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या रहता है कि बहुत बेहतरीन टिप्स है, सुबह उठें और गर्माए पानी और उसमें हल्का जीरा डाल दें, वो आपको सुबह रोज़ाना यदि आप पीते हैं तो आप 15-20 दिन में देखेंगे कि आपका मोटापा काफ़ी हद तक कम हो गया रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये दोस्तों गर्म पानी सुबह यदि आप पीते हैं खाली पेट तो काफ़ी फायदेमंद रहता है। उच्च रक्तचाप के मरीज भी रोज़ाना सुबह खाली पेट इस मसाले का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो ये मसाला बनाते समय आपको काला नमक नहीं डालना चाहिए क्योंकि नमक डालते हैं तो वो भी काफ़ी काम करता है लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए या उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए बहुत कम मात्रा में ही लेना चाहिए। तो जो ये मसाला होता है बनाते समय उसमें काला नमक आपको नहीं डालना चाहिए। हाई बीपी के मरीज के लिए बिना नमक वाले इस मसाले का सेवन काफ़ी फायदेमंद रहता है। और दोस्तों आराम न मिलने पर आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें क्योंकि दोस्तों कई बार होता है ना किसी की डाइट, सबकी डाइट अलग होती है और उसमें आपको फ़ायदा करे ना करे, तो आप डॉक्टर से सलाह जो है तो ज़रूर ले लें। तो डॉक्टर से सलाह लेने पर आपको काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से चेकअप करके बता सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसी खास टिप्स मिलती रहे जो आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। दोस्तों आजकल के जो ज़माने में स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाने पर आपका काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए और आप इन टिप्स को यूज करके दिन भर में आप बूस्ट रहेंगे और आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।